श्री राधे राधे। भक्तों, दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षणभंगुर। जीव के लिए परम हितकारी मनुष्य का शरीर प्रभु ने दिया है, दुर्लभ है और साधन धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, किंतु ये चेतना जल्दी कहाँ किसी को होती है। जैसे और पशु पक्षी होते हैं, ऐसे ही अधिकतर मनुष्य का शरीर धारण करने वाले जीवात्मा होते हैं। कोई कोई होते हैं जो सत्संग प्राप्त हो जाए या पिछले जन्म का कुछ संस्कार हो तो इस शरीर का कुछ उपयोग समझ पाते हैं, और तब वो समझते हैं कि इसके द्वारा हमें क्या करना चाहिए। श्री मनोहर दास बाबा एक ऐसे ही महान पुरुष थे जिनके पिछले जन्म के भी संस्कार थे और इस जन्म में भी महान सत्संग प्राप्त हुआ था, सिद्ध गुरुदेव का सत्संग मिला था। इसलिए वो कहा करते थे कि सिद्ध महापुरुष का आश्रय जिसने लिया है वो गोदी के बालक की तरह निर्भय रहता है, वो उसे गिरने नहीं देते, अपनी सहज कृपा से लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। लेकिन ये आश्रय तो हर किसी को मिलता नहीं भक्तों, तो फिर क्या करना चाहिए। श्री मनोहर दास बाबा कहते थे ये शरीर तो भाड़े का टट्टू है, इसे खूब कसना चाहिए, निर्वाह मात्र के लिए इसको कुछ भोजन खिला दो। उनका शब्द था कि चाय पानी पिला दो निर्वाह मात्र के लिए, लेकिन इसका तो खूब उपयोग करो, इसे खूब कसो, भाड़े का टट्टू पता नहीं कब वापस चला जाए, हमारे पास से चला जाए। और कहते थे बाबा कि साधक के मन में किसी एक के भी प्रति यदि एक भी गांठ शेष है तो उसके पथ करोड़ा है, उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए संसार में किसी के प्रति गांठ नहीं बांध के रखनी चाहिए और भगवान से ही मन को लगाना चाहिए, जीवन को लगाना चाहिए, प्रभु की सेवा में लगना चाहिए, प्रभु की चिंतन स्मरण में लगना चाहिए। और भगवान के लिए क्या सोचना चाहिए इस विषय में कहते थे कि ठाकुर अति कोमल हैं, इसलिए उनके रहने के लिए उनके अनुरूप ही हृदय चाहिए। तात्पर्य कुटिलाई नहीं चाहिए हृदय में, कोमलता चाहिए। मनोहर दास बाबा तो कहते थे ठाकुर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मन को खाली करने की आवश्यकता है। बाबा कहते थे कि खाली मन को ठाकुर स्वयं ढूंढा करते हैं और उस जगह उनको अच्छा लगता है। और भक्तों, आप लोग सुन रहे थे कि बाबा अपने जीवन का संपूर्ण कर्तव्य करके जिस लिए आए थे वो सारा प्रयोजन सिद्ध करके जाने की तैयारी में थे। और पूज्य बाबा के दर्शन हेतु 2 सितंबर 2009 को वेणु विनोद कुंज जो आश्रम है राधा दामोदर मंदिर के निकट में, उसका सारा प्रांगण भक्तों से भरा हुआ था, कोई हटने का नाम नहीं ले रहा था। सभी प्रेमी जनों को बाबा परम पूज्य महाराज जी के स्वरूप लग रहे थे, अर्थात अपने गुरु जैसे दिखलाई पड़ रहे थे। भक्तों को लग रहा था कि बालकृष्ण दास जी ही हैं, बिल्कुल ये होना भी चाहिए भक्तों, गुरु महाराज का तेज तो शिष्य के अंदर होना ही चाहिए। और कई लोग कहते थे कि बाबा और महाराज जी अर्थात तो गुरु शिष्य दोनों एकाकार हो गए। और दोपहर को लगभग 11 बजे जब वेणु विनोद कुंज में
भीड़ हुई ज़्यादा, तो बाबा बोले कि यहाँ इतने लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। तो पूज्या देवी माता ने कहा कि बाबा भोजन प्रसाद का समय है ना, अतः सभी लोग प्रसाद पाने आए हैं। बाबा बोले तो ठीक है, जल्दी जल्दी सभी को प्रसाद पवाओ और मुझे भी कमरे से बाहर ले चलो। तो बाबा को आंगन में सभी के मध्य कुर्सी पर बैठाया गया और वे थोड़ी कठिनाई से नेत्र खोलकर सभी को देखते थे, नहीं तो बस आंखें बंद रखते और मुस्कराते रहते। वस्तुतः उन्हें अपने प्रेमियों को भोजन करवाकर सुख का अनुभव होता था, इसलिए भगवान का प्रसाद सबको खिलवाते थे प्रेम से। और जब सभी व्यक्ति प्रसाद पा चुके तो बाबा बोले मुझे कुल्ला करवाओ और हाथ धुलवाओ। तो भक्तजनों ने कहा बाबा आपने तो कुछ पाया ही नहीं, हाथ क्यों धुलवा रहे हैं। बाबा ने फिर कहा धुलवाओ धुलवाओ, और ऐसा लग रहा था जैसे निर्जनों को भोजन करा के वो भी तृप्त हो गए हैं प्रसाद से, इसलिए वो भी हाथ मुंह धोना चाहते हैं, जबकि उन्होंने कई दिन से अन्न ग्रहण करना बंद कर दिया था। और फिर देवी माता के आग्रह से, देवी माता का चरित्र आप सुन चुके हैं भक्तों, बहुत महान थी वो, तो उन्होंने बचपन से ही भजन किया था, 14-15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, आपको याद आ गया होगा शायद चरित्र। तो उन्होंने बहुत प्रेम से आग्रह किया मनोहर दास बाबा से कि थोड़ा दूध आप पी लीजिए, भोजन तो आप कर नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा दूध पिया और रात्रि को श्रद्धा देवी जी से बाबा बोले कि कुछ अच्छी बात सुनाओ और पूछा माता ने, देवी माता ने कि आप इतना मुस्करा क्यों रहे, क्या बात है। बोले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं भीष्म पितामह हूँ और मेरे सम्मुख भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। जैसे भीष्म पितामह शरसैया पर लेटे हुए कृष्ण का दर्शन करके मुस्करा रहे थे, ऐसे मैं बिस्तर पर लेट करके कृष्ण का दर्शन करके मुस्करा रहा हूँ, इसलिए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। भक्त मनोहर दास बाबा के जीवन की वास्तविक स्वरूप यही था। बाबा के मन में अपने लीला बिहारी कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन चलता रहता था, वही याद करते रहते थे। उनकी लीला रस माधुरी में कभी दर्शन करने में, कभी याद करने में नक्षिक्षण निमग्न थे। और अब अधिकतर लेटना पड़ता था, न बैठते कम थे, तो बैठते थे तो कन्हैया की प्यार भरी लीलाओं को याद करते थे, और लेटे रहते थे तो पितामह के सम्मुख जैसे कृष्ण खड़े हैं वो दृश्य याद आ जाता था, वही देखते हुए मुस्कराते थे। और कभी कभी कहते थे कि मेरे सामने दिव्य लीला रस सागर लहरा रहा है और महाराज वास्तव में रस निमग्न रहते थे। वो 2 सितंबर को प्रातः 11 बजे ठाकुर गोरेलाल जी की कुंज के महंत महाराज को बाबा श्री अलबेली शरण जी महाराज जो थे वो बाबा के दर्शन कराने हेतु वेणु विनोद कुंज लेकर के आए, और बाबा के तखत के सहारे महंत जी कुर्सी पर बैठ गए। बाबा ने कहा ऐसी धूप में क्यों आए। महंत जी बोले आपका दर्शन करने आए। तो बाबा प्रसन्न गंभीर मुद्रा में बैठे हुए मुस्कुराते रहे। महंत जी ने चतुराई से पूछ लिया बाबा आप तो अपने परिकर में ही होंगे। ये सुनते ही बाबा गंभीर हो गए, चेहरे पर प्रसन्नता का अपूर्व तेज छा गया, बोले इसमें क्या शक है। अर्थात वो अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान थे भक्तों। और सुनते ही महंत जी और बाबा अलबेली चरण जी जो उनके साथ आए थे
ये सुनते प्रसन्न हो गए कि बाबा अपने रस राज्य में गंभीर रस निमग्न है। और भक्तों, 3 सितंबर को, अर्थात 3 सितंबर 2009 को श्री अलबेली चरण जी महाराज सवेरे दर्शन करने आए, बाबा का दर्शन करने, और बहुत देर बाहर बैठने के बाद उठे और बाबा को दरवाजे के बाहर से प्रणाम कर चलना चाहे तो चंद्रेश ने बाबा को बैठा दिया। नाक से ऑक्सीजन की नली निकाल रहे थे, बाबा बोले अलबेली को बुला लाओ, क्योंकि अलबेली शरण जी चले जा रहे थे। तो तुरंत मनोहर दास बाबा बोले कि अलबेली को बुला लाओ, अच्छे संत थे भक्त। तो डॉक्टर चंद्रेश बाबा अलबेली शरण को बुला के ले आए, चंद्रेश डॉक्टर जो थे बाबा अलबेली शरण को बुला के ले आए, और अलबेली शरण जी तखत के सहारे नीचे बैठ गए। चंद्रेश ने कहा बाबा आ गए हैं बाबा जी। तो उन्होंने कहा कैसे बुलाया है? बाबा बोले दर्शन के लिए बुलाया है, आपका दर्शन करना था इसलिए मैंने बुलाया आपको। तो अलबेली शरण जी हाथ जोड़े हुए बाबा की संत वेश निष्ठा पर आश्चर्यचकित हुए कि मेरे संत वेश को देख करके मुझे बुलाया दर्शन के लिए। फिर बाबा ने अलबेली शरण जी की दृष्टि में दृष्टि मिलाते हुए कहा बाहर नहीं आना चाहिए, दुख ही दुख है। इस वाक्य को 2 बार दोहराया, बाहर नहीं आना चाहिए, दुख ही दुख है, अर्थात अपने कन्हैया को याद करना चाहिए, अपने प्रभु को याद करते रहना चाहिए। ये सुनकर के बाबा अलबेली शरण जी इस बात से बड़े गदगद और संतुष्ट हुए कि बाबा अपने निकुंज के रसराज में गंभीर रस में निमग्न विभोर हैं। और उनकी वास्तविक स्थिति यही थी भक्तों। तो मेरी प्रार्थना है कि किसी महापुरुष के भगवत धाम जाने की बात को सुनना कोई बुरा नहीं होता है, सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमें बता देते हैं कि हमें किस तरह जाना चाहिए। और जाना तो पड़ेगा भक्तों सभी को, तो ये तो सीखना ही है कि हमें किस तरह जाना चाहिए। और जब बाबा ऊपर कमरे में थे तब रात्रि को अचानक सोते से जगे, उस समय उनकी सेवा में महेश्वर के पंडित राजेश तिवारी थे। बाबा के संकेत पर उन्होंने उन्हें उठा करके बैठाया। इसके बाद बाबा बोले आश्चर्य आश्चर्य, ये आश्चर्य। तो लोग देखते रहे कि क्या करें। बाबा बोले बिजली भी आश्चर्य, ये पंखा भी आश्चर्य, ऑक्सीजन की मशीन ये भी आश्चर्य, और ये 31 घंटे आश्चर्य। राजेश तिवारी ने कहा बाबा 31 घंटे में क्या आश्चर्य है? बाबा ने कहा तेरे बाबा का 31 घंटे का युद्ध और शेष है। उनका यह कथन 31 घंटे के बाद अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ था भक्तों। बिल्कुल गिना चुना टाइम उनके पास रहता था, वो बिल्कुल वही बता देते थे। और अगली सुबह जब पूज्या शीला बहन जी बाबा के दर्शन को आई तो उन्होंने बाबा से पूछा कैसे हो? बाबा ने मंद मुस्कान के साथ कहा मैं अपनी मंजिल पर हूँ। हाँ, मंद मुस्कान के साथ कहा, ये ध्यान रखिए आप। और मनोहर बाबा ने भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा संवत 2066 अयोध्या की तरफ 66 बोलते हैं, इधर 66 बोलते हैं, हिंदी तो वो भी ये भी, लेकिन उच्चारण अलग अलग जगह पर अलग होता है। तो तारीख थी 3 सितंबर 2009, रात्रि में 10:30 के बाद 11:15 बजे के लगभग देवी जी के कहने पर थोड़ा दूध पिया और बड़े प्रेम से भगवत चर्चा की थोड़ी सी। फिर हालत उनकी 11 बजे थोड़ा सा गंभीर सी हो गई।
और जब उनकी नाड़ी देखी गई तो वो सामान्य नहीं थी, अतः उन्हें ऑक्सीजन दिया गया। ऑक्सीजन जब दिया जाने लगा तो आराम मिला, फिर उन्हें लिटा दिया गया। रात्रि लगभग 11:30 बजे उनके संकेत पर उन्हें करवट दिलाई गई। और इसके बाद भक्तों रात्रि 12:15 बजे वो समय आया जब भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति बाबा के मुख से रास पंचाध्यायी सुनने उनके पास आते थे। ये बहुत गंभीर रहस्य की बात है भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण 12:15 बजे रात को बाबा से रास पंचाध्यायी सुनने आते थे। अचानक बाबा का शरीर ढीला पड़ गया और वो अपने भौतिक कलेवर को महाराज त्याग करके प्रिया प्रीतम के दिव्य लीला रस में निमग्न हो गए, या यूं कहें कि वो प्रिय सखी अपने ठाकुर के साथ रासमंडल में प्रविष्ट हो गए। बिल्कुल वही समय था रात को 12:15 बजे रास पंचाध्यायी सुनाते थे, भगवान कृष्ण आते थे उत्सव सुनने, और आज तो दिव्य रास मंडल में ही प्रविष्ट हो गए। रास पंचाध्यायी सुनाने का संपूर्ण फल मिल गया। ये रास बिहारी सरकार स्वयं बाबा को उनके द्वारा किए जाने वाले रास पंचाध्यायी के पाठ के समय ही ले गए, जैसे उनको वहां सुनना था अपने धाम में। उस समय का वातावरण अत्यंत दिव्य था, ऐसा लग रहा था मानो सारे देवता एक साथ बाबा को अपने साथ ले जाने के लिए आए। उसी समय 15 मिनट के लिए घनघोर वर्षा प्रारंभ हुई, जो कि इस बात की परिचायक थी कि प्रकृति भी हम सभी के दुख में सहयोगी होकर बाबा को अश्रु अंजलि अर्पित कर रही है। इस संसार से पूज्य बाबा के चले जाने से उनके सारे परिकर में दुख फैल गया, हाहाकार होने लगा, क्रंदन कर उठे लोग, आंसुओं की झड़ी लग गई। 4 माह से निरंतर बाबा की चिकित्सा करने वाले डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता को संभालना मुश्किल हो गया। श्रद्धेय बाबा के निमित्त तुरंत हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ। बाबा का प्रभु के धाम में प्रस्थान करना और नाम संकीर्तन प्रारंभ होना एक साथ हुआ, जो कि निरंतर उनकी अंत्येष्टि तक चला। रात्रि में ही बाबा के परिकर के अधिकांश व्यक्ति वेण विनोद कुंज में आ गए। यमुना जी से ब्रज रज लाकर परम पूज्य महाराज जी के कक्ष के सामने, अर्थात गुरुदेव भगवान के कक्ष के सामने ब्रज रज की शैया तैयार की गई, जिस पर पूज्य बाबा को लिटाया गया। बाबा का पार्थिव शरीर देह त्यागने के बाद भी अत्यंत दिव्य लग रहा था। उनका 4 माह का रुग्ण शरीर, जिसने कि 1 माह से अन्न तक त्याग दिया था, अभी भी देह दीप्यमान बना हुआ था। शरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह की तरह उनके मुख पर अद्भुत तेज था, दिव्य रस से ओतप्रोत दिव्यता थी। और भक्तों सुबह 8 बजे पूज्य बाबा के पार्थिव शरीर को शास्त्रोक्त विधि द्वारा यमुना जल से स्नान कराया गया, साथ ही ब्रजरज व चंदन का लेप किया गया। प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक निरंतर उनको गुलाब, कुंद और मोगरा आज के पुष्पों की अनगिनत मालाएं धारण कराई गई। भक्तों वृंदावन धाम के प्राय सभी प्रमुख मंदिरों के सेवायतों ने बाबा का रंग बिरंगी चुनरियों, पुष्पों, केसर, चंदन, इत्र, गुलाल आदि से श्रृंगार किया। अनेक भागवत प्राप्त संत, विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी परम पूज्य बाबा को अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ लोग तो बाबा की याद में लगातार आंसू भी गिराने लगे। उस समय कोई भी नेत्र ऐसा नहीं था जिसमें बाबा की विदाई का अश्रु न हो। जो बाबा कभी किसी व्यक्ति का दुख दर्द सहन नहीं कर सकते थे और
द्रवित हो जाते थे, वो आज मौन होकर सभी की अश्रुअंजलि स्वीकार कर रहे थे। बाबा के तमाम भक्त श्रद्धालु उन्हें चारों ओर से घेर कर उच्च स्वर से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे और बाबा की अर्थी नहीं कहा जाए तो ठीक है, डोली सजाई गई, जैसे प्रीतम से मिलने के लिए जा रहे हैं। यद्यपि पहले ही जाकर मिल गए थे वो, लेकिन संसार में यही दिखलाई पड़ रहा था कि अब डोली सजाई गई है और वो अपने प्रीतम से मिलने जा रही है। वेण विनोद कुंज से ये डोली 4 सितंबर सन 2009 को पूर्वाह्न 11 बजे उठी। पूज्य बाबा की अंतिम यात्रा हरिनाम संकीर्तन करती हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई वंशीवट के सामने यमुना किनारे स्थित घाट पर पहुंची। बाबा की डोली पर भक्त प्रेमी जनों ने गुलाब के फूल इस प्रकार फेंके, अर्पण किए कि वृंदावन की अधिकांश सड़कें व गलियां गुलाब की पंखुड़ियों से ढक गईं। हिंदू धर्म में स्मशान पर महिलाओं और बच्चों के जाने का निषेध होता है, किंतु बाबा का अंतिम संस्कार इसका अपवाद था। मनोहर दास बाबा के इस यात्रा में महाराज माताएं भी चल रही थी, बच्चे भी चल रहे थे, असंख्य महिलाएं और 8-10 वर्ष के बच्चे भी शामिल थे, क्योंकि सबके चहेते थे वो। पूज्य देवी जी तक ने बाबा की चिता को दर्शन किया, प्रणाम किया और कई लोग तो उसे अच्छा दृश्य नहीं मानते, किंतु एक महापुरुष का विदाई का समय था, इसलिए बहुत से आध्यात्मिक जगत की विशिष्ट विभूतियों ने भी आकर के आखिरी विदाई के टाइम में पुष्प अर्पित किया। रासाचार्यों ने गायन किया, उसमें रासाचार्य श्री राम शर्मा, फतेह कृष्ण शर्मा, बाबा अलबेली शरण जी आदि लोगों ने भगवान के नाम को खूब गाए और नर्मदा की माटी में जन्मे बाबा मनोहर दास यमुना जी की माटी में विलीन हो गए। भक्तों, सेवा शब्द कहने में तो सरल है, परंतु क्रियान्वित करने में बहुत कठिन है, लेकिन जो इसे करता है उसे नर व नारायण दोनों की ही प्राप्ति होती है। परम श्रद्धे मनोहर बाबा की भतीजी आदरणीय बहन सुश्री शशिकला मूले, सुश्री विजया मूले, डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता, इंजीनियर ब्रजेश मिश्रा, अवधेश मिश्रा, अमर सिंह राठौड़, राजेश तिवारी, वृंदावन दास जी, बालक राजेश, खरे दंपत्ति, विद्याधर जी, आनंद शुक्ला, कुंज बिहारी, इन लोगों ने बहुत सेवा की थी। इसके लिए इन सभी पुष्पमालों की इन लोगों के द्वारा लाई गई बाबा की अंतिम सेवा की गई थी और ये सभी पुण्यात्मा थे भक्तों, जो संतों की सेवा में जीवन को अर्पण किए। ये लोग अभी हैं भक्तों जिनका नाम मैंने लिया और ये भाग्यशाली हैं ये लोग जो ऐसे महान संतों की सेवा में जीवन को लगाए। और पूज्य बाबा की सेवा करके अपने जीवन को धन्य किए। भगवान का दर्शन तो सभी को नहीं मिल पाता, लेकिन भगवान के भक्तों का दर्शन मिल जाना भी कम नहीं है। और श्रद्धेय बाबा मनोहर दास जी एक महान दिव्यात्मा थे, एक महान भक्त थे, एक संत थे जिनके द्वारा अनंत जीवों का कल्याण हुआ
और जो उनके अनुयायी बन करके संतों भक्तों की सेवा में लगे वे सब महान हैं। इसलिए मैं बाबा मनोहर दास, उनके गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास और बाबा के अनुयायी इन सब शिष्यों सेवकों और भक्तों को प्रणाम कर रहा हूँ और बाबा के इस चरित्र को उनको उनके गुरुदेव श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के चरणों में इस भाव से अर्पित कर रहा हूँ कि आपका शिष्य आपके चरणों का अनुयायी होकर के एक महान पुरुष के रूप में अपने जीवन को सफल करता हुआ अंत में ठाकुर जी के धाम पहुँच करके धन्य हो गया। और वृंदावन में भक्त लोग भी अपने भाग्य को मनाए कि ऐसे संत की सेवा में हम भी लगे। मैं उन सब को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी के चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री राधे राधे, जय श्री राधे।